शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी तक चाय नहीं बनी? हाँ माँ जी, बन गई। ये आजकल की बहू ना कितना टाइम लगा रही है चाय बनाने में। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। रख दो। ये तुम्हारा टिफिन रख दिया, शाम को आते हुए सब्जियां ले आना। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? किचन में बहुत काम। अरे तो बाद में कर लेना काम, पहले अपने इस पति पर तो ध्यान दे दो। सुबह सुबह भांग खाई है क्या? छोड़ो। तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है? आज हम दोनों की शादी की सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी मैडम। सॉरी सॉरी राजेश, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे पता ही था। हैप्पी एनिवर्सरी। तो हमारी धर्म पत्नी को हमसे क्या गिफ्ट चाहिए? राजेश, तुमने शादी से पहले वादा किया था ना दिल्ली शिफ्ट होने का, वही पूरा कर दो, दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं ना। देखो स्नेहा, अब प्लीज आज मूड मत खराब करो, आज तो हम प्यार करेंगे ना। तो पूछ ही क्यों रहे थे? कुछ तो ऐसे रहे थे जैसे मेरे लिए ताजमहल बनवा दोगे। अरे बाबा मेरी अरे स्नेहा, अरे कहाँ जा रही हो? सुनो भाई, इन धर्म पत्नी लोगों को कौन समझ पाया। चलो बेटा काम पे। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू माँ। अच्छा राजेश ऑफिस गया? हाँ माँ। सुन ना, मुझे ना थोड़ा काम है तो मैं जयपुर आ रही हूँ, तो तुझसे भी मिलने आऊंगी। बहुत दिन हुए ना, तुझे देखा ही नहीं मैंने। ठीक है आ जाना। घर में सब ठीक ठाक है ना? माँ मैं बहुत थकी हुई हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। स्नेहा आई माँ जी। ये बुढ़िया को भी ना चैन नहीं है। स्नेहा उठो जल्दी, मेरा टिफिन रेडी कर दो। स्नेहा, अरे पापा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो मेरा टिफिन रेडी करो। राजेश मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे आराम करने दो। और एक दिन बाहर से लंच कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बेटा बहू उठी कि नहीं उठी? नहीं माँ, उसकी तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है। तूने नाश्ता किया कि नहीं किया? नहीं माँ। तो मुझे बताया होता मैं बना देती। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती। नहीं माँ, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ, आप अपने लिए कुछ बना के खा लीजिएगा। ठीक है माँ। अरे अरे राजेश सुन,
ज्योति जी आप आइए आइए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? बस बहुत अच्छी हूँ, कैसे आना हुआ? स्नेहा की याद आ रही थी तो सोचा मिल लूं। कहीं दिख नहीं रही है स्नेहा। अपने कमरे में आराम कर रही है, आप जाइए उससे मुलाकात कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बहन जी। स्नेहा बेटा। अरे माँ, तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ आ गई। ये लो तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। थैंक यू। अरे क्या हुआ, क्यों नाराज है तू? राजेश से झगड़ा हुआ क्या? क्यों परेशान है, क्या हुआ? मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्या, क्यों नहीं रहना है? मैंने ना तुम्हारी वजह से राजेश से शादी की थी। तुमने कहा था कि वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा, पर एक साल हो गया है और हम यहीं हैं अभी तक, और वो कहीं नहीं जाएगा। देख बेटा, उसे तब गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, तब उसने बोला था, लेकिन अब उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी सैलरी है, फिर वो ये क्यों छोड़ के जाएगा? और तुझे क्या प्रॉब्लम है यहाँ? अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, और राजेश भी तो तुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों, फिर तुझे प्रॉब्लम क्या है? आजादी चाहिए। गुलामों की तरह जिंदगी जी रही हूँ पिछले एक साल से, सिर्फ इस उम्मीद में कि राजेश दिल्ली जाएगा। पर नहीं, अब कल रात को वो उम्मीद भी खत्म हो गई। वो कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा पूरी जिंदगी अपनी माँ के पल्लू से बंध के। सोचा था कि दिल्ली जाएंगे, मैं जॉब करूंगी, अपना नाम बनाऊंगी, लेकिन सब पर पानी फिर गया। माँ तुम्हारे कहने पे मैंने उससे शादी की थी, इस सब की वजह ना तुम हो सिर्फ। तू चुप कर स्नेहा, तेरी गलती का ठिकराना मेरे सर पे मत फोड़। मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो तेरे अच्छे के लिए किया है, वरना तूने तो हमको कहीं मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। अरे तेरे और तेरे वो यार कपिल के चर्चे ना सारे गांव में मशहूर हो गए थे, लोग क्या क्या कहते थे। अरे मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। और वो तेरा यार, वो तो फिर भाग गया अकेले दुबई, तुझे यहीं छोड़ के। तब शादी नहीं करती तो और क्या करती? हाँ, और देख, जबरदस्ती शादी नहीं करवाई तेरी, तुझे राजेश पसंद आया था और तूने शादी के लिए हाँ की थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी करवाई, समझी ना? तो आज ये जो कुछ गलत हो रहा है ना तेरे साथ, ये तेरी जिम्मेदारी है, तू गलत है, समझी? अच्छा ठीक है, मेरी गलती है ना, तो मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए और ये तुम्हारा गिफ्ट भी नहीं चाहिए। स्नेहा तेरा दिमाग ना खराब हो गया। अरे ज्योति जी क्या हुआ, कहाँ जा रही है? मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। अरे ज्योति जी, अरे स्नेहा बेटा क्या हुआ, ज्योति जी क्यों चली गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तंग मत कीजिए ना, जाइए आप यहाँ से। अरे क्या हुआ ये बताओ। कुछ नहीं हुआ, आप जाइए यहाँ से। तो मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? आप ऐसे नहीं मानेंगी, चलिए अब जाइए। अरे अरे जाइए यहाँ से। अरे अरे छोड़ो, अरे ये क्या कर रही हो? अरे अरे कर रहे हो मुझे? तुम्हारी वजह से जिंदगी खराब हो गई है मेरी। अब क्या चाहते हो, मर जाऊं तब चैन मिलेगा तुम्हें? I'm sorry स्नेहा, देखो तुम मेरी वजह से परेशान रही, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम्हें तो पूरा हक है मुझ पर गुस्सा करने का ना। देखो स्नेहा, बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। देखो प्लीज प्लीज मना मत कर। बहुत
कर रहे हो? कोई देख लेगा। क्या फर्क पड़ता है यार? अच्छा कपिल, तुम माँ से शादी की बात कब करने वाले हो? देखो बस एक बार जॉब लग जाए, सेटल हो जाऊं तो फिर बात कर लूंगा, शादी की भी और शादी भी। कपिल, हमारे रिलेशनशिप को ना 2 साल हो चुके हैं, ना तुम्हारी जॉब लग रही है और ना ही हमारी शादी हो रही है। और तुम्हें पता है माँ मुझ पर शादी का प्रेशर डाल रही है, वो अलग। मुझे नहीं पता, तुम जल्दी से कुछ करो। देखो स्नेहा, बात चल रही है ना नौकरी, बस कुछ दिन की बात हो रहा है। अच्छा बाबा, बस 1 महीना और दे दो मुझे, फिर चाहे जॉब लगे या ना लगे, मैं आंटी से फिर सही बात पक्का कर दूँ। पक्का? प्रॉमिस। अरे बेटा तू आ गया, अच्छा हुआ, हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। क्यों, स्नेहा कहाँ है? इसने अपने कमरे में है। अभी तक कमरे में? बेटा एक बात बता, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो क्यों? बेटा आज स्नेहा की मम्मी आई थी, स्नेहा अपनी मम्मी से खूब झगड़ा कर रही थी, बहुत गुस्सा कर रही थी उन पर और मेरे ऊपर भी गुस्सा कर रही थी, और तो और मुझे तो धक्का देके निकाल दिया उसने अपने कमरे से। क्या उसने आपसे बदतमीजी की? मैं भी देखता हूँ। अरे बेटा रुक, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बात करने दीजिए। स्नेहा, स्नेहा क्या किया तुमने ये? है क्या है? क्यों गला फाड़ रहे हो? मैं माँ के साथ बदतमीजी की। ओह, तो बस यही बाकी रह गया था, माँ ने बेटे के कान भर दिए, अब क्या करोगे, मारोगे मुझे? अरे स्नेहा क्या है ये सब, क्यों कर रही हो इतना ड्रामा? ड्रामा ड्रामा तो तुम लोगों ने बना दिया मेरी जिंदगी का। क्या कहा था तुमने? शादी के बाद दिल्ली रहेंगे। लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ गुलाम बना के रख दिया है। बहू चाय बना दो, बहू दवाई दे दो, बहू ये बहू वो, बस तो बहुत हो गया। अब नहीं होती मुझसे किसी की सेवा, नहीं होगी मुझसे उस बुढ़िया की सेवा भी। स्नेहा बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? स्नेहा क्या पागल पर? नहीं देखो 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 लग रही है। नहीं मुझ पे आग उठाया था ना, मुझ पे। अब बताती हूँ, चल उठ यहाँ से, निकल, और आगे से ना मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, समझे? निकलो, आइंदा से मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो वो हाल करूंगी तुम दोनों माँ बेटे का, कि जिंदगी भर याद रखोगे। पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम दोनों के खिलाफ कि तुम दोनों मुझ पे अत्याचार करते हो, याद रखना। बेटा क्या जरूरत थी उस पर गुस्सा करने की? ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं माँ। देख बेटा, बात घर के बाहर निकलेगी तो कितनी बदनामी होगी हमारी, तो ऐसा कर इसकी माँ से बात कर लो। माँ जी वो बदतमीजी पर उतर आई है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको समझाऊं कैसे। आप ही उसे समझा सकती हैं, प्लीज एक बार आप उससे बात कीजिए ना। देखो बेटा, गलत तो स्नेहा भी नहीं है, शादी के पहले तुमने कहा था कि दिल्ली में जॉब करोगे और वहीं रहोगे, उसकी भी इच्छा थी कि वो जॉब करे, अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, और इसीलिए तो उसने हाँ कहा था तुम्हें शादी के लिए, लेकिन तुम्हारा प्लान चेंज हो गया इसीलिए तो वो नाराज हो गई है। लेकिन माँ जी इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मेरे साथ और मेरी माँ के साथ बदसलूकी करे, अब अगर बाहर ही बात पता चलेगी तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी हमारे मोहल्ले में। सही कहा बेटा, देखो वो मुझसे भी नाराज है, मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है, तो तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, और तुम भी थोड़ा सोचो ना, उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसकी भी अपनी ख्वाहिशें हैं।
करनी है। और वैसे भी अब हमारे बीच बचा ही क्या है बात करने के लिए? तुम्हारी ये नफरत, बस इसलिए तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी जो नफरत है ना, मुझे खाई जा रही है। मैं तुमसे मिलके तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के ना बस माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज स्नेहा, तुम बेशक सारी भड़ास निकाल लेना, मुझे बेशक मार भी लेना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक प्लीज मिल तो लो। प्लीज स्नेहा, तो इतना सद्धत के कहाँ जा रही है? कहीं नहीं माँ जी, अभी आ रही हूँ। तो बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? कहाँ ना, अभी आ रही हूँ। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। थैंक यू सो मच स्नेहा। तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी हो चुकी है, अब क्या करने आए हो यहाँ? I'm sorry स्नेहा, देखो मैं बिन बताया चला गया यहाँ से। इतनी अच्छी नौकरी मिली दुबई में, अचानक से बुलावा आ गया तो मैं चला गया। सोचा था कि तुम्हें बताऊंगा तो तुम मना कर दोगी, इसलिए मैं चला गया बिन बताए ही। और फिर सोचा कि मैं आके तुम्हें शादी कर लूंगा, पर तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया। ओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, छोड़कर तुम गए थे मुझे, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। करती भी तो क्या करती मैं, इसीलिए मुझे माँ की बात मान के जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। अब सारी गलती तुम मुझ पर थोप रहे हो। I'm sorry स्नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो जो हो गया उसको हम तो नहीं बदल सकते हैं, एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं ना, हम एक अच्छा दोस्त तो रह सकते हैं ना। अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया दुबई से, ये देखो खोलो। ये तो बहुत महंगा होगा। मेरे लिए आज भी तुमसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। माना कि हम साथ में नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा रहोगी। अरे माँ। अरे बेटा तू आ गया? दवाई ली आपने? हाँ बेटा, भूल गई थी, अभी भी खाई है। अच्छा अच्छा। बेटा तू स्नेहा की माँ से मिलने गया था, क्या हुआ? अरे माँ, वो स्नेहा की माँ है, वो तो उसकी साइड लेंगी ही ना, उनको भी लगता है कि उनकी बेटी के साथ गलत हो रहा है। खैर कहाँ है वो, अभी तक बाहर नहीं निकली सुबह से। अरे वो है कहाँ, वो तो सज संवर कर पता नहीं कहाँ गई है। क्या? मुझे तो लगा कि वो अपनी माँ से मिलने गई है। नहीं माँ, वो वहां नहीं जाएगी, वो तो उनका फोन भी नहीं उठा रही है, नाराज है उनसे, वो कहीं और ही गई है। क्या करूं इस औरत का, आने दो मैं इसे बताता हूँ। मैं तू उससे कुछ ना बोलना, वरना वो और गुस्सा करेगी, और फिर कहीं पुलिस वुलिस में शिकायत कर दी तो कितनी बदनामी होगी हमारी। और वैसे भी पुलिस तो उसी की सुनेगी, ससुराल वालों की सुनता ही कौन है। अब देख बेटा, इतनी जिंदगी इज्जत से गुजारी है, अब इस बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी देखना पड़ेगा, तू शांत रहे, देखना एक दिन उसको अकल आ जाएगी। ठीक है माँ। कौन था वो? क्यों? मैंने पूछा कौन था वो? मेरा कजन था वो। झूठ बोल रही हो तुम, कजन नहीं था, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड कपिल था। मैंने सोशल मीडिया पे तुम्हारी और उसकी फोटोज देखी है साथ में, तो तुम उसके साथ अय्याशी करके आ रही हो ना? हाँ कपिल ही था वो, तो क्या कर लोगे? बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने नहीं दूंगा। आज से तुम्हारे घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। बेटा
रत, कुछ मत बोल। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे? तुम्हारी बीवी हूँ, कोई गुलाम नहीं। तुम मेरे पे बंदिशें लगाओगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी। मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे जीऊं। तुम दोनों ना उसके अंदर इंटरफेयर करना बंद करो। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी हैं? अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देती? फिर जो मर्जी चाहे वो करती रहना। तलाक दे दूंगी, लेकिन इससे पहले ये घर मेरे नाम करो। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी मैं? जेम्स, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। जब तक तुम ये घर मेरे नाम नहीं करोगे ना, ना तो मैं इस घर से कहीं जाने वाली हूँ और ना मैं तुम्हें तलाक देने वाली हूँ। हाँ कपूर। माँ, इसकी हिम्मत देख रही हो? तो मैं... तुम घर पहुंच गए? अच्छा ठीक है। माँ मुझे बात करने दो। इसको तो मैं इसे क्या है ये? हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा फोन देखने की? तुम ऐसे नहीं मारोगे? देखो उसे लगती है इससे नहीं, इससे नहीं, उसे, नहीं। अरे बहू ये क्या कर रही हो? मम्मी छोड़ो उसे, हट बुढ़िया। जो जी में आए वो कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा, माफ कर हमको बस। चलो बेटा, अगर मुझे रोकने या टोकने की कोशिश की ना, तो जेल भिजवा दूंगी तुम दोनों को।